हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू एक्स एम वी आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेरिंग वेल फॉर यर एग्जामेशन तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है उनतीस दिसंबर दो हजार बाईस राइट सो बी पी डी आई डाउनलोड करो पी डी एफ डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड वेल यू रिक्वायर्डेड सो सबसे पहले न्यूज़ से हम शुरू करते हैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल ठीक है तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल फॉर ग्रामीण डाक सेवक ये किसके लिए किया है उन्होंने ग्रामीण डाक सेवक मतलब ये कस्टमर के लिए नहीं है तो ये आपको सबसे पहला चीज़ याद रखना है इस न्यूज़ में बिकॉज एम फॉर्मेट में आपको कन्फ्यूज कर सकता है ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ लॉन्च ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल इज़ फॉर आपको ऑप्शन दे देगा है ना यू कॉन्ट टी वेन गेस्ट डेट ये ग्रामीण डाक सेवक मतलब ये लोग कौन है आपको पता होगा क्लास टेंथ के बाद जो रिक्रूटमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में वो ग्रामीण डाक सेवक का रिक्रूटमेंट करते हैं तो ये वो लोग हैं राइट सो ये उनके लिए किया गया है क्योंकि उनका ट्रांसफर इधर उधर करने के लिए कुछ सिस्टम नहीं था तो एक सिस्टम डेवलप किया गया है सो दिस इज़ समथिंग यू शुड रिमेंबर एंड पहले ही दिन में पाँच हज़ार लोगों का जो ट्रांसफ़र है वो अप्रूव किया गया है सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज स्टे ऑनलाइन स्टे सेफ ऑनलाइन तो जो मिनिस्टर है टेली के श्री अश्नवी वैष्णव इन्होंने लॉन्च किया है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड जी ट्वेंटी डिजिटल इनोवेशन अलायंस एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज़ जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी तो देखो जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी को लेके बहुत सारा कुछ हो रहा है देश में ये सारा चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल नहीं होता है राइट अब ये प्रेसिडेंसी हमें मिला है अब फिर बीस पच्चीस साल बाद जाके फिर से एक बार मिलेगा सो so, ये बहुत रिलेवेंट है बहुत रिलेवेंट है द टू कैंपेन लॉन्च टूडे आर ह्यूमेनिटेरियन वे ऑफ थिंकिंग ठीक है तो ये कैंपेन आपको याद रखना है ठीक है ये वर्ल्ड वाइड में लॉन्च होगा बाय जी ट्वेंटी बाई एनी मिनिस्ट्री ठीक अपने अपने जो जो भी जी ट्वेंटी कंट्री है वो अपनी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से इसको फिर लॉन्च कर देगी अपने देश में स्टे सेफ़ ऑनलाइन एंड जी ट्वेंटी डिजिटल इनोवेशन अलायंस ये आपको ध्यान देना है बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ वो है रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन्होंने दो इनिशिएटिव लॉन्च किया है सबसे पहला है सिटी फाइनेंस रैंकिंग दूसरा है सिटी ब्यूटी कंपटीशन देखो देश में एक बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है जहाँ पे लोगों को रैंक किया जा रहा है यूजिंग सम इंडेक्स डायमेंशंस एंड देन लोगों को इन द सेंस आप देखो डिस्ट्रिक्ट को किया जा रहा है स्टेट को किया जा रहा है अर्बन लोकल बॉडीज को किया जा रहा है राइट right? तो अलग अलग पैरामीटर्स में सबको अपना अपना रैंक दिया जा रहा है सो दैट यू नो उनके अंदर में कंपटीशन की भाव जागे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो देश में आज से पहले नहीं था राइट right? तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग लॉन्च टू एवेल्यूएट रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड यू वेल बीज अर्बन लोकल बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अक्रॉस की फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज के पास है ना डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं लेकिन एक प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि फाइनेंस राइट right? और क्योंकि वो छोटे लोकल लेवल पे है वहाँ पे करप्शन भी होते हैं तो वो नेशनल इशू नहीं बन पाता है एंड क्योंकि वो नेशनल इशू नहीं बनता है वहाँ करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं राइट right? तो ये आपको ध्यान में देना है करप्शन इज़ ऑल्सो ए की फैक्टर इन दी अर्बन लोकल बॉडीज मतलब देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है आप खुद समझो आप बहुत सारे आप में से लोग टीयर वन टू टीयर थ्री टूट थ्री सिटीज से बिलोंग करते हो आपके एरिया के अर्बन लोकल बॉडीज़ को आप देखो और उनके अपॉर्चुनिटीज़ को सोचो कि उनके पास कितने अपॉर्चुनिटीज़ है डेवलपमेंट के आपके लोकल एरिया में बट वो क्यों नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं फ़ाइनेंस इज़ ए मेजर इशू ठीक है क्यों देखो अब फाइनेंस इज़ ए मेजर इशू मैं बोलता हूँ लेकिन फिफ्टींथ फिनेंस कमीशन के हिसाब से तो पैसा उनको मिल रहा है अभी हमने पिछले मंथ ही देखा था गवर्नमेंट ने बहुत पैसा उनको दिया था मतलब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है स्टेट गवर्नमेंट उनको देती है सो थ्री टीयर गवर्नमेंट लेकिन उसके बावजूद भी उनके वो नहीं उभर पाते सो so, वो चैलेंज क्या है वो सारा चैलेंज इससे समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स में जब उनको रैंक किया जाएगा कौन अच्छा परफॉर्मर है कौन पीछे जा रहा है सो कॉम्पिटिशन के भाव से शायद वो अच्छा परफॉर्म करने लगे देन कम्स सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन एम्स टू एनकरेज एंड रिकोगनाइज द ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट मेड बाई सिटीज़ एंड वर्ड इन इंडिया टू क्रिएट ब्यूटीफुल इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है आप कुछ सिटीज़ इंडिया में देखो इंदौर हो गया जो हमेशा से टॉप करता है ठीक है उसके बाद चंडीगढ़ हो गया जिसको हमेशा से बोला जाता है वेरी ब्यूटीफुल सिटी मतलब रोड के बीच में ब्यूटिफिकेशन के लिए गार्डनिंग करना लाइट्स लगाना सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पब्लिक स्पेसेस जब हम घर से बाहर निकलेंगे हमारे सिटी में हमको एक फ़ील गुड फैक्टर आना चाहिए एंड उसके लिए कौन जिम्मेदार है अर्बन लोकल बॉडीज़ ना कि स्टेट गवर्नमेंट बट येस स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट को तो पैसा देना है राइट right? क्योंकि इनका जो अर्बन लोकल बॉडीज के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत लिमिटेड है बहुत कम है कंपेयरिंग विद द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट दे यू नो हैव ऑन देयर शोल्डर सो आई थिंक ये क्लियर हो गया बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ वो है ए डी बी रैंक्स देखो तो ए डी बी ने एक बहुत आ, एक बहुत बढ़िया रैंकिंग रिलीज किया है जिसमें इंडिया का एक फर्म वैबकास इनको टॉप कंसल्टिंग फर्म का दर्जा मिल गया है ये जो वेबकॉस है ये एक टेक्नोलॉजी ट्रिवन कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी तक इन्होंने 51 कंट्रीज में काम कर चुके हैं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़ को पढ़ते हैं इन्हें मेजर ब्रिक थ्रू वेबकॉस ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की कंपनी है द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इट्स रिपोर्ट रिलीज ऑन एनुअल प्रोक्यूरमेंट रैंक वेब कॉस्ट एज अमाउंट टॉप कंसल्टिंग सर्विस फर्म इन वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विथ हाइस्ट सेंक्शन फाइनेंस अमाउंट आपको ये ध्यान देना है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ वो है टी बी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट तो देखो जो इंडियन ऑयल हैं इन्होंने एक एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें ये उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में कोलैबोरेट करेंगे विथ सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑन इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट तो ये आपको ध्यान देना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 से टीबी मुक्त भारत को बनाया जाएगा राइट तो इसके लिए बहुत सारा स्टेप ले रहे हैं एंड इंडियन ऑयल ये स्टेप उन्होंने लिया है वो एक एम साइन किया है सेंट्रल टी डिवीजन के साथ ठीक है और सेंट्रल टीबी डिमिशन किसके अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में है और स्टेट गवर्नमेंट यूपी एंड छत्तीसगढ़ में वो इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट चलाने वाली है सो फ्रेंड्स पढ़ते हैं लास्ट न्यूज की तरफ वो है लोकायुक्त बिल तो महाराष्ट्र देश का सबसे पहला राज्य बन गया है जिन्होंने एंटी करप्शन जो लोकायुक्त बिल है उसमें उन्होंने हर मिनिस्टर को लेके आ गया मतलब उसमें डिप्टी सीएम एंड सीएम भी इंक्लूड है राइट right? सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सो विथ दिस लेट्स ओके वी हैव वन मोर वन मोर न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू सीरम इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट को ट्वेंटी मिलियन कोविकशील्ड डोसेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको एम में पूछ सकता है सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया कोविकशील्ड कोविकशील्ड को किसने बनाया सीरम इंस्टीट्यूट एंड ऑक्सफोर्ड ने ठीक है तो ये आपको याद रखना होगा With this, we are done. Let's make tomorrow morning till then unfold your potential with IXMB all the best for all the exam that you are preparing. and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.